स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हमारे पास आई है मारुति सुजुकी कंपनी की एक्सल 6 गाड़ी। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसके इंजन के बारे में बात करेंगे, इसके इंटीरियर व्यू के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या फीचर दिया है, क्या क्या फंक्शन दिया है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको इसका इंजन कंपार्टमेंट दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम इसका बोनट हुड यहाँ से ओपन करेंगे। स्टेयरिंग के नीचे बोनट हुड आता है, इसको लीवर को खींचेंगे, बोनट खुल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है इसका इंजन कंपार्टमेंट। ये 4 सिलेंडर के बेस पे आता है। इसका इंजन का सीसी है 1462। ये 20 का माइलेज देता है। इसमें दो बैटरी आता है, एक ये रहा और एक अंदर देता है ऑक्सिलरी बैटरी, जो लाइट्स वगैरह एक्सेसरीज को कंट्रोल करने के लिए। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें ये TCM लगा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल। और ये रहा इसका ECU, जो कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है। फ्रेंड्स, इसमें 4 सिलेंडर आता है। 4 सिलेंडर पर सिलेंडर पे 4 वाल दिया है। ये 101 हॉर्स पावर की बेस पे आता है। अब हम आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका इंटीरियर व्यू। ये इसका म्यूजिक सिस्टम है, जो कि टच स्क्रीन के बेस पे आता है। ये इसका क्लस्टर मीटर देख सकते हैं आप। इसमें स्टार्ट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देता है। इसका गियर लीवर है, ऑटोमेटिक गियर लीवर है, जो कि 6 गियर की स्पीड पे आता है। ऑटो पार्किंग मोड नहीं दिया है, मैनुअली हैंड ब्रेक है। ये पावर विंडो बटन दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसमें रूफ में लाइट दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इधर AC का दिया है, आप लोग इसका इंटीरियर व्यू देख सकते हो। इसमें 6 सीट आता है, ये 6 सीटर है। इसमें 7 सीटर का ऑप्शन नहीं देता है, आर्टिगा में 7 सीट देता है। अब हम आपको इसका डिग्गी स्पेस दिखाते हैं, डिग्गी में कितना स्पेस दिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें रियर वाइपर भी देता है और ये 360 कैमरा के बेस पे आता है एक्सल 6। हम इसका बूट स्पेस दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं आप, इसमें थोड़ा कमी लगे जाएगा, क्योंकि ये 209 लीटर का बूट स्पेस देता है। ये सीट फोल्ड हो सकता है, ये आप इजीली इसको फोल्ड भी कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक कैमरा दिया है, ये कैमरा आप लोग देख सकते हैं। और साइड मिरर के दोनों में कैमरा दिया है, हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें भी कैमरा दिया है, साइड मिरर है, जो कि फोल्डेबल आता है। और इसका व्हील देख सकते हैं आप, ये मैग व्हील के बेस पे आता है, अलाउ व्हील। इसमें फ्रंट डिस्क आता है और रियर ड्रम आता है, हम आपको पीछे का दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आगे डिस्क दिया है, पीछे ड्रम दिया है, और चारों व्हील अलाउ व्हील्स है, मैग व्हील के बेस पे आता है ये। फ्रेंड्स, आप यहाँ से इसका फ्यूल इजीली भर सकते हैं। ये पेट्रोल इंजन है, इसका फ्यूल टैंक 45 लीटर का आता है। ये फ्यूल लीड है, टैंक का कैपेसिटी है 45 लीटर। फ्रेंड्स, ये स्मार्ट हाइब्रिड है। फ्रेंड्स, ये LED हेडलाइट्स है। टर्न सिग्नल सिर्फ सादा दिया है, बाकी लाइट्स LED दिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये बॉडी टाइप MUV है, वैगन टाइप है, MUV व्हीकल्स। इसका बॉडी टाइप देख सकते हैं आप लोग। फ्रंट भी वाइपर दिया है इसमें, जैसा कि सभी गाड़ियों में होता है। और इसका यहाँ भी कैमरा दिया है, ये देख सकते हैं आप, लोगों के जस्ट नीचे भी कैमरा दिया है इसका। ये नेक्सा एक्सल 6। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें पुश बटन दिया है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। और यहाँ से आप मिरर को इजीली फोल्ड कर सकते हैं, चारों डोर को यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ से लॉक अनलॉक इजीली कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैकेनिकल डिवाइस के लिए था। इसमें एक्सल 6 में कुछ ऐसा खास दिया नहीं है, लेकिन फिर भी है, कंफर्ट है। आर्टिगा के कंपेयर में अच्छा ही है, माइलेज के मामले में भी अच्छा है। आर्टिगा 12 का माइलेज देता है और ये 20 का माइलेज देता है, तो उसके कंपेयर में ये अच्छा ही गाड़ी है। इसमें काम करने के लिए भी बहुत जगह दिया है, काफ़ी सुविधाएँ दी है काम करने के लिए, स्पेस भी अच्छा दिया है इसमें।
तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा वीडियो था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।